दोस्तों कैसे आप सब, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के शुरू में बात करने वाले अपकमिंग यामा एफजेड एस के बारे में। जी दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन एफजेड एस के बारे में आज के शुरू में बात करने वाले हैं, क्योंकि एफजेड एस जो है आप लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है और इसे काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं यामा एफजेड एस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यामा की जो एफजेड एस है दोस्तों, इसमें कंपनी क्या क्या अपडेट करने वाली है, क्या क्या जो नई चीज़ें हैं वो आपको बाइक में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यामा की जो एफजेड एस है उसमें आपको सबसे पहला जो अपडेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों इस बाइक की पावर में, क्योंकि यामा की जो एफजेड एस है दोस्तों इसमें पावर की काफ़ी कमी है। इंडियन मार्केट में अगर आप किसी भी 150 सेगमेंट की बाइक से इससे कंपेयर करेंगे तो इस बाइक की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इतनी कम है कि ऐसा लगता है जैसे मानो कि एक 125 सीसी की बाइक है, इतनी पावर है इस बाइक में। तो सबसे पहला अपडेट होने वाला है इस बाइक की पावर में। इसमें अभी 12.4 की PS4 आती है, बट कंपनी इसमें पावर बढ़ा के एटलीस्ट 15-16 BHP के आसपास की जो पावर है इस बाइक में दे सकती है। तो ये सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों आपको बाइक में देखने को मिलने वाला है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो अपडेट होगा इस बाइक के स्पीडोमीटर में। दोस्तों स्पीडोमीटर में ऐसा है कि इन्होंने भाई अपना नया अपडेट किया, नया वाला MT15 वाला स्पीडोमीटर तो दे दिया, बट इन्होंने एक चीज़ मिसिंग कर दी। क्या मिसिंग कर दी? इन्होंने भाई वहाँ से हटा दिया इस बाइक का गियर इंडिकेटर। जी हाँ, गियर इंडिकेटर को इन्होंने उससे हटा दिया। बट आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि अब फाइनली कंपनी इसमें गियर इंडिकेटर भी देने वाली है, तो ये भी जो नया अपडेट है वो आपको बाइक में मिलेगा। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो होने वाला है इस बाइक के सस्पेंशन में। दोस्तों आजकल जो है हर छोटी छोटी जो कंपनी है वो भी अपनी बाइक में जो कंपनियां हैं अपनी छोटी छोटी बाइक है उनमें भी USD फोक सस्पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अपनी यामा की जो एफजेड एस है उसमें भी कंपनी USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन प्रोवाइड कर सकती है। ये भी एक जो नया अपडेट है वो आपको बाइक में मिलने वाला है। बात कर ले नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों बाइक का कलर एंड ग्राफिक। देखिए ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंपनी जब अपडेट लाती है तो नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन में जरूर काम करती है। अब दोस्तों ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन कैसा होने वाला वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट मुझे उम्मीद है कि कंपनी इस बाइक में जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन देने वाली है काफ़ी अच्छे देने वाली है, और इस बार जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन होने वाले हैं और भी बेहतर होंगे इस कलर ऑप्शन के कंपेयर में। बात कर ले नेक्स्ट अपडेट के बारे में दोस्तों, तो इस बाइक का रियर लुक। देखिए यामा की जो एफजेड है इसमें जो वर्जन 4 आई थी उसमें कंपनी ने फ्रंट लुक को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, बट इन्होंने दोस्तों टेल लाइट को चेंज नहीं किया था। बट यामा की जो एफजेड एस वर्जन 5 होगी उसमें कंपनी दोस्तों इस बाइक की जो टेल लाइट है उसमें काम करने वाली है। जी हाँ, जो टेल लाइट है उसमें काम करेगी। टेल लाइट का जो डिज़ाइन है वो आपको नया देखने को मिलेगा। अब डिज़ाइन कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है फिलहाल उसको लेकर तो कोई साक्षी सामने नहीं आई, बट 110% चेंज होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार कंपनी इस पर जो देगी टेल लाइट वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट होने वाला है इस बाइक की ब्रेकिंग में। अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि इंडियन मार्केट में ऐसा चलन आ गया है कि छोटी बाइक्स में भी डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आ रहे हैं। चाहे आप NS160 देख लीजिए, N160 देख लीजिए। बजाज ने ये चीज़ शुरू कर दिया तो बाकी ब्रांड भी पीछे नहीं रहेगी, वो भी शुरू करना पड़ेगा उनको अगर मार्केट में बना रहना है। तो इसमें भी आपको नए अपडेट देखने को मिलेंगे कि अब आप लोगों को यामा की जो एफजेड एस है इसमें भी आपको डुअल चैनल एंटीलॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो होने वाला है इस बाइक के राइडिंग मोड्स में। अब राइडिंग मोड्स में भी हर कंपनी काम कर रही है, कहीं ना कहीं TVS वालों TVS वालों ने सबसे ज़्यादा काम किया राइडिंग मोड्स में। बस अब जो नेक्स्ट जनरेशन की बाइक रहेगी सभी में आपको जो राइडिंग मोड्स है वो भी देखने को मिलेंगे। तो यामा की जो एफजेड एस है उसमें भी दोस्तों आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलने वाला है। ये भी एक नया अपडेट आपको बाइक में मिलेगा, आने के बाद पता चलेगा कि कैसे राइडिंग मोड्स होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। ये सारे अपडेट आपको एफजेड एस वर्जन 5 पे देखने को मिलेंगे।
सो कौन कौन इस बैग का वेट कर रहा भाई कमेंट करके जरूर बताना। सुमित करता हूँ एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस मान के चलिए 5,000 से 7,000 रुपये के आसपास का बढ़ने वाला है, और लॉन्च डेट मान के चलिए कि 6 से 7 महीने के अंदर आपको ये बाइक मिलेगी। साल के एंड में भी आपको ये बाइक देखने को मिल सकती है। सो उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।